गाइस, तो अभी मैं बैठी हूँ एयरपोर्ट पे, कायरो एयरपोर्ट पे। तो मैं सोची कि अभी टाइम का सही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि फ़्लाइट अभी 1 घंटा बाकी है, तो सही इस्तेमाल की जाए और एक वीडियो बनाई जाए हमारी इज़राइल वीज़ा की, जो कि लेट चल रही हूँ वीज़ा के बारे में। तो इज़राइल से शुरू करते हैं कि कैसे मिली हमको इज़राइल का वीज़ा। तो इज़राइल वीज़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये उतना आसान वीज़ा होने वाला है नहीं। हमने अप्लाई किया था यूरोप से, तो अभी मैं जो भी बताऊंगी वो इज़राइल इज़ा एप्लीकेशन फॉर्म यूरोपियन सिटीज़ ही होंगे, पर सिमिलर थिंग इंडिया के भी होंगे, मतलब इंडिया से जैसे भी सिमिलर चीज़ें ही होंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ यूरोप से। तो मैं रहती हूँ हेलसिंकी फिनलैंड पे, तो हमने वीज़ा अप्लाई किए थे यहाँ पे एम्बेसी को। पहली दफ़ा हमने एक ईमेल डाले थे कि कैसे क्या प्रोसेस है हमको बताने के लिए, तो उन्होंने एक फॉर्म दिया था जो फॉर्म हमको फिलअप करना पड़ा। वो फॉर्म हमने फिलअप किए, उसके प्रिंट आउट लिए, और फिर उन्होंने मांगा था बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हो गया आपका पासपोर्ट कॉपी, पर्पज़ ऑफ द टूरिज़्म बताना पड़ा, फिर आपको एक डिटेल टूर प्लान लाइक कवरिंग लेटर देना पड़ा। तो कवरिंग लेटर फॉर्मेट कुछ नहीं है, मतलब डिटेल टूर प्लान थोड़ा बता देने, मेल में ही डाल दिए थे वो। ओके, बैंक स्टेटमेंट मांगा। ओके, फिर मांगा आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका पे स्लिप, और हो गया आपका ट्रैवल इंश्योरेंस उन्होंने करवाने के लिए बोला, एंड ऑल्सो द लेटर कवरिंग दैट योर कोविड सर्टिफिकेट, लाइक कोविड केयर इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट। सो वो अलग से बैंक को जाके, मतलब मैंने बैंक से लिया था ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, मैंने लिया था ओपी बैंक से। तो वहाँ पे जाके मैंने बैंक विजिट करके बोला कि ये रिटर्न में देने के लिए कि कोविड इज़ कवर्ड, बिकॉज मैंने जब उनको कॉल किया था बोला था मैं हमारे अभी नॉर्मल सारे ही आपका ट्रैवल इंश्योरेंस में, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस के मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, तो मेडिकल इंश्योरेंस में आपका सारा ही कोविड केयर भी कवर होते हैं। पर इज़राइल वाले ने फिर से मांगा कि ये रिटर्न में देने के लिए, तो एक लेटर्स बैंक से ले लिया जिसमें रिटर्न में ये लिखा था, फिर आपके लगेगा फोटोग्राफ्स, ये सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ही है, ये सारे वीज़ा में ही लगते हैं। तो ये कम्युनिकेशन हमारे चल रहे थे मतलब 20-25 दिनों से। तो फिर जाके उन्होंने एक डेट सजेस्ट किया, बोला कि इस डेट पे आओ एक फिज़िकल इंटरव्यू के लिए। तो वो डेट, मतलब जो दिन से मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, लगभग उसका 1 महीना बाद वो डेट मिला जब मुझे इंटरव्यू में बुलाया गया। तो मैं इंटरव्यू के लिए गई, अभी अभी शुरू होती है हमारी असली कहानी। तो मैं इंटरव्यू के लिए गई, अब मैं वहाँ पे वीज़ा के लिए एक वीडियो बनाने लग गई। तो मैं बाहर ही थी, मतलब एम्बेसी के अंदर भी नहीं थी, एम्बेसी के बाहर दूसरे साइड पे थी। तो दो लोग आ गए सिक्योरिटी गार्ड और मुझे पूछने लगे कि तुम ऐसा वीडियो क्यों बना रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं यूट्यूब में ब्लॉगिंग करती हूँ और मैंने अपने व्यूअर्स के लिए वीज़ा बना रही हूँ कि कैसे वीज़ा बनाया जाता है। तो वीज़ा के वीडियो में ये मैं डाल रही थी कि इज़राइल का एम्बेसी कैसा दिखता है बाहर से। तो बोला कि तुरंत डिलीट कर लो, तो मैंने उनके सामने ही वीडियो डिलीट कर दिया। तो फिर भी उन्होंने बोलने लगे, फिर पूछने लगे और कि क्यों कर रहे हो, तुम्हारे व्लॉग का नाम क्या है, ये सब कुछ कुछ पूछने लगे। तो मैं सारे डिटेल बताए उनको, तो उसके बाद बोला कि ठीक है तुम, मेरा इंटरव्यू था 1 बजे, मैं पहुंच गई थी 12:45 को। फिर उन्होंने बोला कि अभी 12:45 ही, तो अभी क्यों तुम बाहर वेट करो, दूसरे तरफ चले जाओ। तो मैंने, मुझे वहाँ से भगा दिया। तो मैं दूर खड़ी हो गई 15 मिनट्स बाद मैं दरवाज़े के सामने फिर आ गई। तो जैसे ही मैं आई वहाँ से ना, एक वॉइस था जो वॉइस में बोलने लगा कि अभी भी तुम वेट करो, जहाँ हो वहीं पे खड़े रहो। तो मैं फिर दरवाज़े के सामने भी आ गई, तो दरवाज़े के सामने मैं वेट करने लग गई
ऐसा बोला था कि 20 मिनट वेट करो। 20 मिनट बाद मैं फिर से एक बार कैमरा की तरफ जस्ट ऐसे दिखा और कोई मुझे बोला कि वो ऑलमोस्ट हो गया है, अब तुम और भी 5-10 मिनट वेट करो, हमारे में से कोई आएगा तुमको पिकअप करने। तो मैं वेट करती रही, 5 मिनट 10 मिनट बाद कोई आया पिकअप करने, कोई आया नहीं। तब मुझे बोला गया कि अभी दरवाज़ा खोल दे रहे हैं, मतलब ये बाहर एंट्री गेट का दरवाज़ा था, तो अभी दरवाज़ा खोल दे रहे हैं, तुम अंदर आ जाओ और लॉबी में वेट करो। तो मैं फिर अंदर आ गई और लॉबी में वेट करने लगी, तब जाके सिक्योरिटी गार्ड आए और तब शुरू होती है एक्चुअल इंटरव्यू। एक्चुअली मेरे इंटरव्यू ना वहीं पे ही हुआ था, वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उतना कुछ पूछा नहीं, जो पूछा तो मोस्टली सिक्योरिटी ने ही पूछा। तो होती है, मैं बताती हूँ क्या क्या पूछा, बहुत कुछ पूछा, मुझे तो उतना सारा याद भी नहीं है अभी, पर मैं फिर भी बताती हूँ। मुझे पहले पूछा गया कि अच्छा, मेरे एक अजीब सा कहानी है, मेरे 2 पासपोर्ट हैं, जो मेरा पिछला पासपोर्ट था वो खो चुका था ग्रीस में, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं अपनी सारी स्टोरी शेयर करूंगी। तो वो ग्रीस में जब पासपोर्ट खोई थी, तो पासपोर्ट चोरी हो गई थी मेरे बैग से, तो जब पासपोर्ट चोरी हो गई थी ना, तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया था इंडियन एम्बेसी ग्रीस में, तो वहाँ पे मुझे जो पासपोर्ट मिला था वो ना हैंड रिटन है, जैसे मेरे पासपोर्ट में नेम ऐसे पेन से लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा नॉट प्रिंटेड है, बिकॉज वहाँ पे प्रिंटिंग मशीन थी ही नहीं ग्रीस एथेंस एम्बेसी। तो वहाँ का जो पासपोर्ट था वो मतलब पुराने पासपोर्ट में वो हैंड रिटन पासपोर्ट है, और फिर से मैंने अप्लाई किया था US में, मैं तब रहती थी, तो US में जाके मैं इंडियन एम्बेसी से अप्लाई करके फिर मुझे मेरा एक्चुअल अभी का जो पासपोर्ट है वो US से अप्लाई किया गया पासपोर्ट है अटलांटा से, तो वो पासपोर्ट है। तो मेरा 2 पासपोर्ट है, पिछले वाला पासपोर्ट भी कैरी करना पड़ता है। तो वो पासपोर्ट देख के पूछने लगे कैसा ऐसा क्यों है, वो स्टोरी पूरा बताया उनको। मैं वो स्टोरी आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। तो वैसा पूछने लगा, वो आपके लिए नहीं होगा वो क्वेश्चन, वो मेरे लिए ही था, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो उसके बाद पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम यहाँ पे आए हो, किसी को पता है क्या? मैंने बोला नहीं पता है, किसी को भी नहीं बताया, नहीं पता तुम्हारे इतना यहाँ पे कितना फ्रेंड्स है, मतलब हेलसिंकी में। मैंने बोला कि हाँ, मतलब ऑफिस में जो लोग हैं वो फ्रेंड्स है, कितना फ्रेंड्स है फिनलैंड में अभी, फिर तुम फिनलैंड कब आई हो, किस पर्पस में आई हो, तुम क्या नौकरी करते हो, तुम्हारे कितना सैलरी मिलती है, और तुमको तुम ही क्यों आए हो, तुम कैसे काम करते हो, तुम किस टाइप का काम करते हो एग्जैक्टली। मुझे टेक्निकली भी पूछा, मैं मुझे मेरे काम में मैं एक्चुअली क्या काम करती हूँ वहाँ पे, तो टेक्निकली भी पूछा। तो मैं IT में करती हूँ, तो वो पूरा पूछा वैसे, तो उतना तो मेरे घर वाले भी मुझे कभी पूछा नहीं थे एग्जैक्टली कौन सा टेक्नोलॉजी है, क्या है, कितना लोग मेरे टीम में है, मैं कितने लोगों को जानती हूँ यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे करके पूछा। अच्छा, फिर पूछा कि तुम इसराइली क्यों जा रहे हो, तो मैंने बोला कि मुझे तो सारे ही वर्ल्ड के सारे कंट्री देखने हैं, तो इसराइल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंट्री है, तो इसलिए मुझे इसराइल जाना है। तो तुम कहाँ पे इसराइल में जाना चाहते हो, और मैंने बोला कि मैं जेरूसलम जाना चाहती हूँ। तो पूछा कि तुम जेरूसलम क्यों जाना चाहते हो, मैंने बोला कि जेरूसलम मतलब होली सिटी है, तो वहाँ पे तो वो मतलब बहुत ही फेमस है वेस्टर्न वर्ल्ड। तो फिर पूछा जेरूसलम में क्या देखना चाहते हो, मैंने बोला वेस्टर्न वर्ल्ड। तो पूछा कि तुम क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड देखना चाहते हो तुम, तो मैंने बोला मैं हिंदू हूँ पर मैं दूसरे की धर्म को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं उनके रिस्पेक्ट में भी मैं भी वो देखना चाहती हूँ कि ये उनके लिए बहुत होली है, तो मैं इसलिए देखना चाहती हूँ। तो फिर पूछा कि तुम US में कितने दिन थे, वहाँ पे कहाँ पे रहते थे, और कौन से कंट्री गए हो, और तुम बोल रहे हो तुम बहुत घूम गए, तो कौन सा लिस्ट ऑफ द कंट्री बताओ कि कहाँ कहाँ गए थे तुम। फिर US के बारे में पूछा कि तुम वहाँ पे कहाँ रहते थे, फिर पूछा तुम इज़राइल में किसी को जानते हो क्या नहीं,
तुम्हारा कोई फ्रेंड्स है कि नहीं, तो तुमने अपना ट्रैवल प्लान कैसे बनवाया है, तुम इतना डिटेल्स कहाँ से लिए हैं कि तुम अपना ट्रैवल बनवाया। मैंने बोला मैंने खुद ही बनवाया है। तो फिर बोला कि तुम खुद को, तुम तो इज़राइल कभी गए नहीं, तुमको इतना पता कैसे है। तो मैंने बोला कि वो तो सारे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में मिल जाते हैं, और मैं किसी भी कंट्री में जाती हूँ तो मैं अपने आप से ही बनाती। तो मैंने उसने पूछा तुम किसी ट्रैवल एजेंट को क्यों कंसल्ट नहीं की। तो मैं बोला मैं कहीं पे भी कोई ट्रैवल एजेंट के साथ जाती नहीं है, तो इज़राइल इज़ नॉट एन एक्सेप्शन फॉर मी। तो फिर पूछा वेयर डू यू प्रे। तो फिर मैंने बोला कि मैं घर में ही प्रे करती हूँ। तो बोला कि तुम घर में क्यों प्रे करते हो, तुम कहीं पे जाके, तुम्हारे धर्म में ऐसा नहीं है कि तुम कहीं पे जाके प्रे करो। हाँ मंदिर है तो तुम मंदिर क्यों नहीं जाते, हेलसिंकी में मंदिर नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ मैंने उतना देखा नहीं, पर मेरे लिए तो मंदिर जाना इज़ नॉट मैंडेटरी। मैं कहीं से भी प्रे करूँ, प्रे करना इज़ थिंग फॉर मी, मतलब वो तो आप कहीं से भी करो, आप एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टिंग टू गॉड इट्स एनफ, यू डोंट नीड टू बी प्रेजेंट इन मंदिर ऑलवेज, राइट। तो ऐसा करके बोला। फिर और भी काफ़ी सारे सवाल तो थे। हो गया है इस बात को एक्चुअली 1.5 महीना, मुझे सारे और याद नहीं आ रहे। तो हाँ ऐसा भी पूछा तुम इज़राइल में कितना दिन रहोगे, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पूछ रहे। तो तुम्हारा फ्लाइट टिकट बैग कहाँ से है, तुम कैसे बैग करोगे, वो वैसा भी मांगा था जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताया थी ना, मैं एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट और दे दूँगी, ऐसे मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर लिख देने के लिए। तो वहाँ पे आपका था ट्रैवल टिकट इज़ मैंडेटरी, आपका एक कंफर्म बुकिंग टिकट लगेगी। तो डमी टिकट का चक्कर नहीं किया मैंने, इससे बेटर है आप एक टिकट ही ले लो, क्योंकि उसका उन लोगों का चेकिंग और कंफर्मेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। पता नहीं डमी टिकट यूज़ करने से शायद वो लोग पकड़ भी लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस है। तो आपका रिटर्न टिकट भी चाहिए, हमारा रिटर्न इजिप्ट होके मिलान होके फिर हेलसिंकी था, वैसा रिटर्न टिकट पूरा हमको देना पड़ा, बिकॉज इज़राइल के बाद हम लोग गए जॉर्डन, जॉर्डन के बाद गए इजिप्ट, तो पूरा ऐसा रिटर्न टिकट हमको देना पड़ा। और कुछ मांगे थे क्या, और शायद कुछ नहीं था, और होटल बुकिंग भी मांगे थे कि कहाँ पे रुकने वाले हैं इज़राइल में, वैसा मांगा था बस, और कुछ नहीं मांगे थे। तो ये हो गया, और बाकी तो आप देखे ही होंगे मेरे इज़राइल वाले वीडियो में कि मैं कैसे इज़राइल गई, और वहाँ पे क्या क्या इमिग्रेशन में पूछा जब मैं इज़राइल पर गई, ये मैंने अपना वीज़ा प्रोसेस बता दिया। तो जब ये सब क्वेश्चन के बाद वो मुझे लेके गए ऊपर, ऊपर है उनका एम्बेसी का जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे थे उनका रूम, तो उस रूम में एक ही रूम है, वहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में और कुछ भी नहीं पूछे, जस्ट कितना दिन ये जा रहे हो ऐसे इतना पूछ के ही मुझे तुरंत वो स्टिकर वीज़ा दे दिया। वहाँ पे ही मेरे सामने मतलब बिल्कुल मेरे आंखों के सामने नहीं, तभी उसी स्पॉट पे मुझे वीज़ा मिल गया था, और मुझे 3 महीने का वीज़ा मिला था। तो ऐसे मुझे तुरंत ही मिल गया था, मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब इतना स्ट्रिक्ट इंटरव्यू, तो मेरे US का वर्क वीज़ा में भी नहीं लगा, मेरा फिनिश वर्क वीज़ा में भी नहीं लगा, जितना इज़राइल ने मेरे टूरिस्ट वीज़ा के लिए लगवाए। पर मैं इस बात को पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ, और पूरी समझती हूँ कि उनके कंट्री का सराउंडिंग, तो बहुत सारे कंट्री हैं शायद जिनसे उनको खतरा लग रहा है, बट लग सकते हैं, इसलिए वो तो उनका सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और मेरे ख्याल से सिक्योरिटी सारे कंट्री के स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो थॉरो चेकिंग करते हैं और पूछते हैं, तो ये उनका प्रोसेस है, ये उनका रूल है। पर मुझे इज़राइली बहुत अच्छे लगे, लोग बहुत अच्छे हैं, और ऑफिसर्स भी बहुत अच्छे हैं, जस्ट दैट के ये उनका काम है तो ये करना ही पड़ेगा, इनमें कोई खराबी नहीं है। और आप अगर जेन्युइन हो तो आपको वीज़ा मिलेगा, इसमें कोई डर नहीं है। ख़त्म करने से पहले एक लास्ट टिप दे देते हैं कि वीज़ा इंटरव्यू
आपको आसानी लगेगा अगर आप ट्रू टू योरसेल्फ रहो, तो आप जेन्युइन रहो और सारे क्वेश्चन का सही सही आंसर दो। अगर आप जेन्युइन हो तो वो कभी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। तो आप जेन्युइन रहो, आप सही सब सवाल का सही सही आंसर करो और सब कुछ मतलब ट्रांसपेरेंट रखो, कुछ भी चालाकी मत करो, तो वीज़ा आपको जरूर मिलेगा। तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं कि वीज़ा नहीं मिलेगा, पर हाँ थोड़ा प्रोसेस डिफिकल्ट है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये उनके रूल है। तो ये यही है मेरा टिप्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। आपके डाउट, आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट के रिप्लाई किया जाए। अगर मुझे पता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँगी। और थैंक यू, बाय बाय। If you like this video, please like, comment, and don't forget to subscribe. Thank you so much. See you in the next video.